trendy and stylish. Otherwise, no link. However, my nature is not formal. Hey everyone, welcome back to my channel. I'm back with another video. तो गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, सबको पता है. जैसे ही बाहर जाते हैं ऐसा लगता है जैसे बॉडी बर्न हो रही है. बट इट्स ऑल राइट गाइस, मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना. मजदूरी नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो फिर खाएंगे कैसे? वैसे खा तो लेंगे पेरेंट्स का, बट यार अपने भी तो कुछ शौक होते हैं. लेट्स नॉट गेट इन टू दैट, अदरवाइज आई विल बी डिप्रेस्ड. So let's move on. I bought few dresses from Meesho and it's so pretty according to me. अब आप बताना मुझे वीडियो देख के कि आपको कैसी लगी कॉमेंट में, और अगर आपको बाय करना है तो लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी. बट कॉमेंट करोगे तभी प्रोवाइड करूंगी, अदरवाइज नो लिंक. जस्ट kidding. I was scrolling Meesho and मैंने देखी कुछ few dresses जिनकी पिक्चर बहुत अच्छी थी. I was like Meesho पे ऐसी भी ड्रेसेस मिलती है, तो मैंने ऑर्डर कर दी देखने के लिए कि एक्चुअल में ऐसी है भी कि नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिटी है यार. मैं भी आपको दिखाऊंगी. और सबसे प्रिटी ड्रेस तो मैंने लास्ट में रखी ताकि आप मेरा वीडियो पूरा देखो. हूं ना मैं स्मार्ट. प्लीज ट्रोल मत करना, मैं ऐसी. वैसे मुझे ट्रोल तो कोई नहीं करता क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं है. बट एनीवे, सो माय फर्स्ट ड्रेस इज हेयर. देखो इसकी पिक्चर कितनी अच्छी है. मुझे भी यही पिक्चर देख के प्यार हुआ था, इसलिए मैंने ये ड्रेस ऑर्डर कर दी. और ये है शर्ट ड्रेस, एज यू कैन सी. तो शर्ट ड्रेस मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ बिकॉज इट्स इजी टू वेयर एंड इट वाज इन ग्रीन कलर. मुझे वाइब्रेंट कलर चाहिए था एज आई ऑलरेडी मेंशन. तो ये ग्रीन कलर में थी और वो भी लाइट ग्रीन कलर में. तो मुझे लाइट कलर्स एंड ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये ड्रेस ऑर्डर कर दी. आई रिसीव द पार्सल, आई वॉज रियली थ्रिल्ड कि यार इट इज सेम एज शोन इन पिक्चर. तो मैंने पार्सल ओपन किया एंड देखा कि ड्रेस का जो फैब्रिक है कॉटन है. मैं और हैप्पी हो गई और फिर मैंने इसे ट्राई किया. आई वॉज वेरी अपसेट विद द परचेज बिकॉज यू नो ड्रेस वॉज गुड, द फैब्रिक वॉज गुड, बट इट वॉज नॉट लुकिंग गुड ऑन मी. एंड द प्राइस फैक्टर इज ऑल्सो गुड. लेट मी टेल यू द प्राइस ऑल्सो. आई गॉट इट फॉर 350 rupees एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो यार इतने सस्ते में इतनी अच्छी ड्रेस मिल रही है. हैप्पी तो थी मैं, बट जब मैंने पहनी तो आई वॉज डेवस्टेटेड. बट एनी वे यार, हर कुछ आप पे अच्छा नहीं लग सकता. मैंने फिर सेकेंड ड्रेस ट्राई की एंड आई वॉज रियली हैप्पी. तो सेकेंड ड्रेस पे चलते हैं. ड्रेस की पिक्चर आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके की पिक्चर है जिसके साथ मैं फॉल इन लव हो गई एट फर्स्ट साइट. बट एनीवे मैंने ये भी मंगा ली. इसके साथ एक बेल्ट भी आई है ब्लू कलर की एंड आई वॉज हैप्पी कि यार ये तो काफी अच्छा मतलब लुक दे रही है. ऊपर से शर्ट ड्रेस टाइप है, नीचे से फ्रॉक टाइप का ड्रेस है. तो मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी ड्रेस खरीदी, अदरवाइज आई डोंट गो फॉर दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस. तो इसका प्राइस है 341 एंड आई वियर स्मॉल साइज. यार मैं आपको जो भी टॉप दिखाती हूँ, ड्रेसेस दिखाती हूँ, इट्स गोना बी इन स्मॉल साइज, क्योंकि मैं इतनी मोटी नहीं हूँ और मैं इतनी पतली भी नहीं हूँ. मतलब ठीक हूँ यार, मैं जिम विम करते हैं तो बॉडी तो थोड़ी ठीक हो ही जाती है ना, ना चाहते हुए भी. थोड़ा स्ट्रगल तो यार हर जगह करना ही पड़ता है. ये बात अच्छी नहीं लगी, दैट वॉज फैब्रिक एंड द फैब्रिक इज जॉर्जेट एंड जॉर्जेट आई कांट वेयर इन समर. बहुत ज्यादा यार पिंच होता है बॉडी पे एंड मैं तो वैसे ही बहुत स्ट्रगल से घबराती हूँ वापस करती. मैंने नहीं रखी ये ड्रेस बिल्कुल भी. जॉर्जेट यार बॉडी पे फिन होता है. कॉटन में बाय नहीं करती, कॉटन मतलब बाय करती हूँ बट इन रेयर केस, क्योंकि कॉटन के ना मुझे डिजाइन और पैटर्न पसंद नहीं आते. मुझे ट्रेंडी स्टाइल बहुत पसंद है, कॉटन में आपको ट्रेंडी स्टाइल लेनी नहीं. बहुत रेयर केस होगा कि आपको मिल जाएगा, मुझे तो आज तक नहीं मिला. तो मैंने बहुत ही रेयर केस में कॉटन बाय किया है. और कॉटन अगर बाय करती तो मम्मी करती है मेरे लिए. मैं आई डोंट गो फॉर कॉटन बिकॉज आई एम ट्रेंडी एंड स्टाइलिश. यू आर ओके विद जॉर्जेट फैब्रिक, यू कैन गो फॉर दिस ड्रेस. आई डिडंट कीप इट बिकॉज आई डिडंट लाइक द फैब्रिक. अदरवाइज प्राइस फैक्टर एंड साइज एंड फिटिंग इज ओके, बट द ओनली थिंग इज लैक ऑफ फैब्रिक. सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड ड्रेस. लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाई डिड आई बाय दिस ड्रेस. ये ड्रेस ना बहुत ज्यादा प्रिटी है. लाइक मुझे ना ये पिंट्रेस वाली वाइब दी थी, मैंने इसे पिंट्रेस पे देखा था. तो मैंने सोचा, मुझे पता था इसका फैब्रिक क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा ऑब्वियसली. मतलब अच्छा क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसा फैब्रिक होगा जो आई डोंट प्रेफर. तो फिर भी मैंने ऑर्डर कर दी बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अ लुक यार दिखती कैसे एक्चुअल में. क्योंकि पिंट्रेस पे मैंने ड्रेस बहुत ज्यादा देखी थी, बहुत ज्यादा देखी थी और बहुत वायरल भी हुई थी एक टाइम पे. ऑल दो आई डोंट बाय वायरल थिंग्स, मतलब खरीदती हूँ पर बाद में खरीदती हूँ जब वो वायरल होना बंद हो जाती है. बट एनीवे दैट्स माय नेचर, आई कैन नॉट हेल्प इट. तो वीडियो में आपको पता ही चल रहा होगा ड्रेस कैसी लग रही है. इट्स काइंड ऑफ गिविंग क्यूट क्यूट वाइब. होप यू लाइक द ड्रेस. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ड्रेस. तो इसके पिक्चर आप पहले ध्यान से देख लो बिकॉज मुझे तो इसके साथ प्यार हो गया था. एक तो येलो कलर, मतलब येलो इज नॉट माई फेवरेट कलर ऑब्वियसली, बट स्टिल आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट विच आई डोंट हैव इन माई वॉर्डरोब. तो इस ड्रेस का येलो कलर था एंड द प्रिंट वॉज सो प्रिटी, दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड.
बट जब मुझे रिसीव हुई तो मुझे इससे और भी ज्यादा प्यार हो गया। बिल्कुल ये एग्जैक्ट वैसी दिख रही थी जैसी पिक्चर में थी। साइज ऑफ दिस ड्रेस इज 361 एंड इट्स अ स्मॉल साइज। मुझे सारे स्मॉल साइज आते हैं। इतनी प्रिटी ड्रेस है यार, मुझे तो प्यार ही हो गया था इससे। इतनी प्यारी ड्रेस है ना, और येलो कलर जो कि मेरे पास है नहीं, ऑल्दो मैंने येलो ही पहना है। अभी इतना प्यार नहीं करते हैं हम, दूसरी ड्रेस भी देख लेते हैं। विच इज माई मोस्ट फेवरेट इन दिस हॉल, दैट्स व्हाई आई कैप्ट इट इन द लास्ट क्लिप। तो आप पूरा वीडियो देखोगे ना इसलिए। पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। हेयर इज द पिक्चर। आई नो इट्स नॉट लुकिंग फैसिनेटिंग इन द पिक्चर, बट मुझे बता नहीं इस ड्रेस में क्या पसंद आया। लाइक इसका पैटर्न एक स्टमक पे दे रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत यूनिक लगा। मतलब मैंने देखा था आई थिंक इंस्टाग्राम पे लड़कियों को ऐसी ड्रेसेस पहनते हुए, बट फिर मैंने मीशो पर देखी एंड आई वाज लाइक मुझे ना इसे ऑर्डर कर देना चाहिए एक बार। व्हेन यू वेयर दिस ड्रेस एंड स्टाइल दिस विद एक्सेसरीज इट विल लुक गुड। व्हेन आई रिसीव द ड्रेस आई वाज हैप्पी कि चलो पिक्चर की तरह तो दिख रही है, लेट्स वेयर इट। मैंने इसे पहना तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड इट्स लुकिंग सो प्रेटी। एंड मैंने स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं किया था इसे, आप देख ही सकते हो मैं स्टाइल नहीं करती हूँ इतना। बट आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो कपड़ों को स्टाइल करके भी दिखाऊंगी कि आप किसके साथ पहन सकते हो, कैसे पहन सकते हो। आप इसे शूज के साथ भी पहन सकते हो, फ्लैट के साथ भी पहन सकते हो। मतलब बहुत प्रिटी ड्रेस है यार, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। एंड इसका प्राइस है 330। एंड इफ आई टॉक अबाउट फैब्रिक, द फैब्रिक इज क्रेप। मुझे नहीं पता ये कौन सा फैब्रिक है, बट जब मैंने इसे पहना तो आई वॉज फीलिंग कम्फर्टेबल। मुझे कुछ पिन नहीं हो रहा था या कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जो मुझे परेशान करे, बॉदर करे। तो आई वॉज हैप्पी विद माई परचेज दिस ड्रेस। आई कैप्ट इट एब्सोल्यूटली। द पैटर्न इज गुड, द स्टाइल इज गुड एंड द फैब्रिक इज ओके, इवन दो आई हैव नो आइडिया अबाउट फैब्रिक बट द नेम ऑफ द फैब्रिक। क्रेप नाम है इस फैब्रिक का, आई डोंट नो व्हाट इज क्रेप, बट ठीक है। मुझे टच करके भी पता नहीं चल रहा था कौन सा फैब्रिक है, बट मुझे कॉटन वाले फैब्रिक की वाइब आ रही थी। बट जब मैंने मीशो पे देखा इसका डिस्क्रिप्शन कि कौन सा फैब्रिक है तो द नेम वॉज क्रेप। दैट वॉज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हो तो आप उसे शेयर भी करो, लाइक भी करो एंड कॉमेंट भी करो। एंड कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपकी कौन सी फेवरेट ड्रेस थी। बाय, लव यू।